गवर्नमेंट स्पेशल प्राइमरी एंड हाई स्कूल ब्लेंड हाई स्कूल है, यहाँ पर हुकूमत की जानिब से 1,53,00,000 रुपये का सैंक्शन हुआ और आज इस स्कूल का फाउंडेशन रखा जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो बेचारे ब्लाइंड बच्चे हैं इनके लिए गवर्नमेंट बड़ी खसूसी दिलचस्पी लेकर काम कर रही है इनके जॉब्स के सिलसिले में, और इनको बहुत सारे हुकूमत की जानिब से फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे इस स्कूल के ज़िम्मेदार ने कहे कि ये स्कूल के ये कलेक्टर की तरफ से इस शिक्षा अभियान की तरफ से ये अमाउंट बिल्डिंग सेंक्शन हुई, इंशाल्लाह ताला ये बिल्डिंग 9 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन इसके डिज़ाइन के ताल्लुक से हमारे इस स्कूल के जो कंसर्न है उन्होंने कह रहे थे कि ये ग्राउंड फ्लोर की ये एस्टीमेट सेंक्शन हुआ, अगर एस्टीमेट को चेंज करके ग्राउंड प्लस अगर 1 कर दिया गया तो अच्छी बात है, मैं इनके साथ कोऑपरेट करने के तैयार हूँ। हम जाकर शिक्षा अभियान के जो भी ज़िम्मेदार हैं उन तमाम लोगों से मिलकर डिज़ाइन को चेंज करने की बात करेंगे अगर हो जाता है तो, क्योंकि आप लोगों की भी ख्वाहिश है कि ग्राउंड प्लस 1 अगर होगा तो काफ़ी ग्राउंड बच जाएगा जिसमें बच्चों को खेलने कूदने की सहूलत होगी। अगर हो सकता है तो मुमकिन तौर पर हम ये कोशिश करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि चूँकि यह स्कूल काफ़ी ख़दीम स्कूल है, यहाँ पर काफ़ी बरसों से यहाँ पर काफ़ी बच्चे ब्लाइंड बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करके निकले, जैसा कि अभी हमारे आपका नाम वेंकट राम साहब कह रहे थे कि वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट थे, अपनी सारी ज़िंदगी यहीं इस स्कूल के अंदर लगा दिए और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी स्कूल के अंदर वो जॉब भी कर रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आवाम को इस किस्म के चीज़ों में कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लाइंड बच्चे ये बिल्कुल माजूर बच्चे हैं, ये बच्चे पैरालाइज बच्चे कहना चाहिए इनको, इनको हुकूमत की जानिब से भी सहूलत दी जा रही है और मैं चाहता हूँ कि हुकूमत की जानिब से और हमारी जानिब से इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी बराबर उसको पूरा करने के लिए हमारी जानिब से कोशिश की जाएगी। फिर एक मरतबा मैं मेरी जानिब से हमाम तमाम साथी कारपोरेटर्स की जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया।